क्लास सेवेंथ ज्योग्राफी और हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो बच्चों इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजोन बेसिन इज लोकेटेड। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें अमेजोन बेसिन लोकेटेड है? तो ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा वर्ल्ड मैप और इसमें सारे के सारे कॉन्टिनेंट और जहाँ अमेजोन बेसिन लोकेटेड है वो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। द अमेजोन बेसिन इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन के जो लोग हैं, यहाँ रहने वाले अमेजोन बेसिन के लोग, वो कौन सी क्रॉप्स यानी कौन सी फसलें उगाते हैं? चलिए देखते हैं। द पीपल ऑफ अमेजोन बेसिन मेनली ग्रो, तो अमेजोन बेसिन के जो लोग हैं वो कौन सी फसलें मुख्य तौर पर उगाते हैं? तो उनकी फसलें हैं टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। तो ये तो उनकी क्रॉप हो गई। अब वो कुछ कैश क्रॉप्स भी उगाते हैं। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप जो मार्केट के लिए उगाई जाती हैं, जिनसे मॉनेटरी बेनिफिट लिया जाता है, पैसा कमाया जाता है, ठीक है, मार्केट और इंडस्ट्रीज के लिए जो उगाई जाती हैं उनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं, जिनसे कैश बेनिफिट हो, है ना। तो कैश क्रॉप्स वो उगाते हैं कौन सी, जैसे कि कॉफ़ी, मेज और कोकोआ। अब ये जो सारी क्रॉप्स हैं इनकी इमेजेस मैंने यहाँ लगाई हैं ताकि आप इनको देख के समझ जाएं। तो ये जो क्रॉप है ये कौन सी है? ये है पहली वाली यानी कि टैपियोका। देखो टैपियोका कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो ये है टैपियोका, ये है पाइनएप्पल, आपको सबको पता है, ये है स्वीट पोटैटो। तो ये तो इनकी स्टेपल डाइट हो गई, है ना, ये क्रॉप्स ये लोग उगाते हैं। उसके बाद इनके जो कैश क्रॉप्स हैं वो कौन सी हमने पढ़ी हैं? वो हमने स्टडी की हैं कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ। तो ये जो है ये कौन सी है? ये है कॉफ़ी, राइट, ये हो गया मेज मक्का और ये कोकोआ। कोकोआ कुछ कुछ ऐसा नज़र आता है, आप देख लीजिए। तो ये उनकी क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न। वो कौन से पक्षी हैं जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं? तो इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पक्षियों के हमें नाम बताने हैं। तो देखिए यहाँ के जो बर्ड्स हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ जो पक्षी मिलते हैं वो है टूकन, हमिंग बर्ड्स, मैनी वेराइटी ऑफ मकाउस, कई तरह के मकाओ, ये एक तरह के बड़े साइज के तोते होते हैं, ठीक है, मकाउस इनको बोला जाता है, तो मकाउस, अमेजोन किंगफिशर, अमेजोन का किंगफिशर, राइट, हार्पी ईगल, एक खास तरह का बाज ईगल, हार्पी ईगल। तो ये सब यहाँ पे मिलते हैं अमेजोन में, ये पक्षी हैं। चलिए इन सब की इमेज देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ जाएं। तो ये कौन है, मतलब ये कौन सा पक्षी है? ये है टूकन, तो ये टूकन है, ये हमिंग बर्ड है, ये हो गया अमेजोन किंगफिशर और ये है हार्पी ईगल, राइट। उसके बाद बचा कौन सा? मकाओ की फोटोज मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये बच गया। तो ये देखिए यहाँ इस पेज पे आपको सारे रंग बिरंगे अलग अलग कलर्स के क्या नजर आएंगे? मकाउस नजर आएंगे। तो ये सारे क्या हैं? डिफरेंट कलर्स के मकाउस हैं। तो ये सारे पक्षी अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, कौन से? टूकन, हमिंग बर्ड्स, मैनी वेराइटी ऑफ मकाउस, मैनी वेराइटीज ऑफ मकाउस, अमेजोन किंगफिशर, हार्पी ईगल, दीज आर कॉमनली फाउंड इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। गंगा रिवर पे कौन सी मेजर सिटीज लोकेटेड हैं? तो कौन सी सिटी हैं वो? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। तो ये जो सिटीज हैं ये गंगा रिवर पे लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? वंस हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन। कहाँ मिलता है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। और इंडिया के मैप में देखिए ये रही लोकेशन ब्रह्मपुत्रा प्लेन की, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा प्लेन में वन हॉर्न राइनोसोरस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQs, टूकन्स आर अ टाइप ऑफ। तो आपको अब तो आपको पता ही है कि टूकन जो है वो क्या है, बर्ड है, एनिमल है या क्रॉप है, क्या है? तो टूकन आर अ टाइप ऑफ बर्ड्स, राइट।
ये देखिए, ये ब्यूटीफुल टोकन हैं, बहुत सारे इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाई आपके लिए, ठीक है। तो ये जो पक्षी आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये टोकन है, ठीक है, ये एक बर्ड की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ, मैनियोक जो है ये स्टेपल फूड है, ये इनकी मेन डाइट है, किस कहाँ के लोगों की, गंगा बेसिन की, अफ्रीका की या अमेजोन की। अब तो आप स्टडी कर ही चुके हैं, तो ये मैनियोक जो है ये कहाँ की डाइट है, अमेजोन बेसिन के लोगों की स्टेपल डाइट है, मेन डाइट है। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, कोलकाता कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, ऑप्शन ए ऑरेंज, बी हुगली, सी भागीरथी। तो कौन सी रिवर पे है, हुगली रिवर पे है। यहाँ पे ये देखिए, ये रिवर हुगली यहाँ पे लोकेटेड है इस मैप के अंदर, और हुगली रिवर पे कौन सा शहर लोकेटेड है, कोलकाता, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, देवदार्स एंड फर्स आर अ टाइप ऑफ, देवदार और फर ये किसका टाइप है, क्या ये कॉनिफ्रस ट्रीज का टाइप है, डेसीडियस ट्रीज का टाइप है या शब्स का टाइप है। कॉनिफ्रस ट्रीज जो कौन शेप्ड होते हैं, पहाड़ों में पाए जाते हैं हाइट पे, डेसीडियस ट्रीज जो पतझड़ वाले वन होते हैं वहाँ ये पेड़ पाए जाते हैं जो अपने पत्ते गिराते हैं पर्टिकुलर टाइम में, और शब्स जो झाड़ियाँ होती हैं। तो देवदार और फर जो हैं ये किसका टाइप है, ये कॉनिफ्रस ट्रीज का टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर इज फाउंड इन, पूरा नाम रॉयल बंगाल टाइगर, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर जो कि साइज में काफ़ी बड़ा होता है ये कहाँ पाया जाता है, माउंटेन्स में, डेल्टा एरिया में या अमेजोन में। माउंटेन्स में मिलता है नहीं, अमेजोन में भी नहीं मिलता, कहाँ पाया जाता है, ये डेल्टा एरिया में पाया जाता है, खास तौर पे सुंदरवन डेल्टा। तो यहाँ ये है इसका आवास जहाँ ये पाया जाता है, सुंदरवन में। कौन सा टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, सो कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल हमें इसकी इंडस्ट्रीज कहाँ मिलती हैं, वाराणसी में। मलो का क्या है, एक स्लांटिंग रूफ वाले घर होते हैं। पिराना क्या है, एक तरह की फिश, बड़े बड़े दांतों वाली फिश है ना। उसके बाद सिल्क वॉर्म रेयरिंग को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। और कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। नेक्स्ट है गिव रीजंस, सो पहला क्वेश्चन है गिव रीजंस में, द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग, रेन फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं यानी कि खत्म हो रहे हैं, तो क्यों खत्म हो रहे हैं, कारण बताओ। सबसे पहले तो हम क्लियर कर रहे हैं फॉरेस्ट को, किस चीज़ के लिए, जमीन को साफ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए और माइनिंग के लिए, ताकि हमें मिनरल्स मिलें, ताकि हम खेती कर सकें। फिर हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं डोमेस्टिक यूजेस के लिए और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, अपने घरों में फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, इमारती लकड़ी के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। लार्ज स्केल डेवलपमेंटल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, सो बड़े स्केल पे जब इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं जंगलों को काट काट कर, तो इसकी वजह से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। और अमेजोन बेसिन की अगर बात करें, तो द ट्रांस अमेजोन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट एसेसिबल, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के सारे जो पार्ट्स हैं वो एसेसिबल हो गए हैं, इंसान की रेंज में आ गए हैं, इंसान की पहुंच में आ गए हैं, किसकी वजह से, ट्रांस अमेजोन हाईवे की वजह से। तो इस वजह से अब वो भी सेफ नहीं है, वहां भी लकड़ियां काटी जा रही हैं। पॉइंट नंबर 5 है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, हर तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ये तो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ही। नेक्स्ट है, पैडी इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में पैडी यानी कि चावल यानी कि धान की फसल क्यों उगाई जाती है, कारण बताइए। तो इसलिए उगाई जाती है क्योंकि ये जो प्लेन्स हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स, ये फ्लैट हैं, फर्टाइल हैं, और यहाँ पे एलिवेल सॉइल मिलती है जो कि इस फसल के लिए बहुत सूटेबल है। नेक्स्ट, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ज़्यादा हाई है, ना बहुत ज़्यादा लो है, एकदम सूटेबल है इस क्रॉप के लिए, और यहाँ रेन भी एडिक्वेट अमाउंट में हमें मिलती है, तो रेन प्रॉपर होती है, तो इसलिए पैडी यहाँ पे अच्छे से उगती है, टेम्परेचर भी सही है, तो इस वजह से पैडी की ग्रोथ के लिए सारी फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यह है गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन का बेसिन का सारा एरिया, और यहाँ पे पैडी खूब अच्छे से उगती है। सो बच्चों, इसके साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।